जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आखिर किस आधार पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 400 सीट हार रहे हैं, जबकि मैं दावा कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी होने जा रही है, बीएसपी बिल्कुल समाप्तवादी पार्टी है और कांग्रेस साफ। कमल के फूल देश में खिले और 400 प्लस भाजपा गठबंधन जीते, इस लक्ष्य के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव हम लड़ रहे हैं। सीतापुर लोकसभा 2014 में जीते, 2017 का विधानसभा सीतापुर में जीते, 2019 का लोकसभा चुनाव सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी जीते और 2024 का चुनाव इस बार रिकॉर्ड वोटों से हमारे आदरणीय लोकप्रिय सांसद राजेश वर्मा जी जीतेंगे। यह जीत इनकी भी तो है ही, लेकिन ये जीत माननीय नरेंद्र मोदी। इंडिया गठबंधन कह रहा है कि पहले जो चरण के चुनाव हुए हैं बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया। देखिए, हार का चौका लगा चुके उत्तर प्रदेश का अगर मैं इतिहास बताऊं, सपा बसपा कांग्रेस तीनों दल, और उसके बाद भी अभी जब तक 4 जून 4 बजे 400 पार नहीं होगा, उनके दावे हवा हवाई आते रहेंगे, लेकिन 4 जून 4 बजे 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार, यह जनता बनाना चाहती है। भाजपा का कार्यकर्ता तो दिन रात लगा है, हमारी उपलब्धियों के आधार पर एक बड़ी विजय की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। केशव मौर्य जी को ज्यादा मौका दिया जा रहा है, सभी जगह केशव मौर्य जी दिखाई दे रहे हैं, सब लोग दिखाई, मैं भी दिखाई दे रहा हूं। नहीं नहीं, अधिकतर जिलों में आपको लगाया जा रहा है, इसके पीछे कोई विशेष रणनीति भारतीय जनता पार्टी की? रणनीति होगी उसको कैसे बता देंगे, एक ही लक्ष्य है, सपा को समाप्तवादी पार्टी बनाना, बसपा को बिल्कुल समाप्तवादी पार्टी बनाना, कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश और देश बनाना। विपक्ष सर कह रहा है कि जो विपक्ष कह रहा है कि जो मोदी जी का जो 400 पार का जो फिल्म है वो फ्लॉप हो गई है। देखिए, आप सब जो कि यूपी वाले हो, जो कह रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में सपा बसपा कांग्रेस के लोग हार का चौका लगा चुके हैं, पांचवी करारी पराजय के द्वार पर खड़े हैं। उन्होंने कहा इन्हें कैसे पता 400 आ रहे हैं, तो उन्हें कैसे पता कि हम हार रहे हैं? हमने 2014 में कहा था 272 प्लस तो 283 जीते, 2017 में 300 पार कहा तो 325 जीते, 2019 में लोकसभा में 300 पार कमल के फूल खिले 303 जीते, 2022 में हम लोगों ने कहा था फिर यूपी में वापस आएंगे प्रचंड बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ वापस आए। अब प्रमाण तो ये है, जो हमने कहा वो हुआ, उनका कहा तो हवा में गुब्बारे की तरह हो गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर पहुंची बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में पहले कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था, हमारी सरकार ने इस क्षेत्र में विकास कर इसके नक्शे बदल दिए हैं। बीएसपी के अलावा जितनी पार्टियों ने उत्तर प्रदेश में शासन चलाया है, किसी ने बीएसपी जितना विकास कार्य नहीं किया, इस बीएसपी प्रत्याशी को जिताकर लोकसभा में पहुंचाए ताकि क्षेत्र का अच्छे से विकास हो सके। आसपास का क्षेत्र ये काफी खराब स्थिति में था, इसका कोई डेवलपमेंट नहीं किया गया था, लेकिन जब मेरी सरकार बनी हमने इस क्षेत्र को पूरा विकसित किया। इस क्षेत्र को हमने गौतम बुद्ध के नाम से नया जिला दिया, गौतम बुद्ध के नाम से बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई, या एक्सप्रेस वे बनाया, जो ये एयरपोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं, सब इसकी रूपरेखा आधारशिला मेरी गवर्नमेंट ने ही रख दी गई थी, जिसको अब ये बनाने में लगे। और यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में इस एरिए को काफी विकसित किया गया, जिसके कारण बड़े पैमाने पर यहाँ पर छोटे बड़े उद्योगपति आकर अपना कारोबार कर रहे हैं, और जिसकी वजह से यहाँ क्षेत्र के लोगों को रोटी रोजी के साधन मिल रहे हैं। लेकिन ये देर बीजेपी की सरकार की नहीं, बल्कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार की यहाँ उत्तर प्रदेश में रही है। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूंगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है,
तो उससे इनका स्थायी तौर पर बना होने वाला नहीं है। और वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। हिंदू किसी भी आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण या उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो उसे भी जरूर रोका जाएगा। और ये सब हमने अपनी यूपी की नई सरकार में करके भी दिखाया है। इसके अलावा हमने यूपी में सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोटी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं, जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे ही पड़े हैं, जिनको फिर सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं मेहनत कश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। कन्नौज लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी इमरान फिर जफर ने नामांकन दाखिल किया। 5 प्रस्तावकों के साथ इमरान सादगी के साथ नामांकन कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे पर लोकसभा का चुनाव लड़ जाएगा। सपा और बीजेपी ने विकास करने के नाम पर सिर्फ झूठ फैलाया है। आज भी ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यों से कोसों दूर है। इस बार जनता बसपा के साथ है। इमरान बिन जफर बहुजन समाज पार्टी से आज मैंने नामांकन कराया है और डीएम साहब ने बहुत बारीकी से नामांकन पत्रों को देखा और देखने के बाद जो है उसको स्वीकृत करके हमको आश्वासन दिया कि आपको स्वीकृत किया जाए। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे कन्नौज चुनाव? देखिए, कन्नौज में तो मुद्दा बहुत सा है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो होगा विकास का मुद्दा होगा, क्योंकि जो 40 साल से जिस परिवार का इस पर हुकूमत रहा, राज रहा, जिसको ये लोग गढ़ कहते हैं, हम तो 40 साल में क्या विकास किया है ये हम मेरी निगाहों ने देखा है। हम गांव-गांव जा रहे हैं, चाहे वो छिबरामऊ का हो, रसूलाबाद का हो, विधुना का हो या आपकी कन्नौज सदर का हो, हालात बहुत बुरे हैं, बस से बदतर हैं। इनकी सारी जो पिछली सरकारें गईं उन्होंने दिखावा किया, बड़े बड़े काम किए जो भी किए, लेकिन ज़मीनी स्तर पे जो काम जनता के हित में, जो जनता वोट करती है जिनको अपनी उम्मीदों के साथ, लेकिन उनके उन पे खड़े नहीं उतरे। रोड बना दिया, सड़क बना दिया, ये हाईलाइट होने किसान हैं, जो माँ बहनें हैं, जो बच्चे हैं और जो छोटे छोटे कारोबारी हैं, लघु उद्योग, वो बहुत परेशान है। कि हम तो पूरा समझ लीजिए कि अभी आपका एक यहीं पे गांव है सदर कन्नौज में, धनोरागंज बुजुर्ग करके सकरान के बगल में, बहुत बुरा हाल है। पानी ऐसा भरा है उस गांव में, यकीन मानिए वहां के लोग रो रहे थे, कह रहे थे कि कोई आज तक नहीं आया। हम लोग डीएम क्या चिट्ठी लिख के प्रशासन को दिखा कर थक गए, सांस लेना मुश्किल है, तालाब जैसा भरा, माँ बहने हेल हेल के उसमें जाती है। जनता आपको क्यों उसका विकास नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ। कौन दोषी है उसके पीछे? नहीं, देखिए, पिछली तो 40 साल की जो परिवारवाद जिसको रहा, सपा सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है। उसके बाद सरकार 2014 के बाद 2019 में जो बीजेपी की सरकार आई, मोदी के लहर में यहाँ के सांसद बने, युवा सांसद सुब्रत पाठक, उनको कन्नौज के लिए बहुत काम करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भी वही रवैया अपना लिया जो सब सांसद करते हैं, वो भी सपा के पैटर्न पे चले गए, हवा हवाई बातें हुई। और जो विकास होना चाहिए उनका जो गोद लिया होगा पूरनपुरवा, जो गांव गोद लिया उन्होंने, उसके हालात आप जाके देख लो कितने बुरे हैं। तो सारा कुछ इस पे ये है कि विकास पर रहेगा, परिवारवाद फिर रहेगा, गढ़ को खत्म करना है, जो लोगों ने अपना वर्चस्व बना लिया है कि सिर्फ हमारे गढ़ रहा। तो तीनों सीटें और जनता आपको क्यों वोट दे? जनता देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक नई पहल होनी चाहिए राजनीति में,
और अच्छी सोच के लोग आने चाहिए, जो आए वो जनता की परेशानी को कम करे, ना कि अपनी परेशानी कम करने लगे और जनता की बढ़ाने लगे। इससे पहले भी आप कन्नौज से किस्मत आजमा चुके हैं? जी, हम 2014 में मैंने आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा था, 10 दिन का चुनाव था, वो भी मेरी बहुत ईमानदारी का चुनाव था। 10 दिन में हमने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, जनता ने जो प्यार दिया, और जनता को उस बात का अफसोस रहा कि आपके पास वक्त कम था, आप पहुंच नहीं पाए, फिर भी हम 5,000 के आसपास वोट पाए मोदी लहर में, और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे उस दौर, और माननीय डिंपल यादव जी चुनाव लड़ रही थी। आप समझ सकते हैं कि मेरा चुनाव लड़ना उस वक्त। गोंडा थाना क्षेत्र के बसवारी गांव में एक व्यक्ति का अधजला शव मिलने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि बीते दिन शव की जानकारी मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी जांच में जुट गए थे, और जांच में पता चला कि मृतक कोहली सीतापुर के ग्राम ग्वारी का रहने वाला है, जो ग्राम चौकनिया में महेंद्र सिंह के यहाँ मकान गिराने का काम कर रहा था। गिरफ्तार युवक और मृतक दोनों साथ में कई जगह पर काम कर चुके थे। इसी दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ था और 300 उधारी के पैसे को लेकर दोनों में गाली गलौज हुई थी। इसी रंजिश में अभियुक्त अमित ने मृतक को शराब पिलाकर उसकी हत्या कर दी और फिर शव को खरपतवार डालकर जला दिया था। फिलहाल गिरफ्तार युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनांक 21 अप्रैल 2024 को थाना मनकापुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बसवारी में एक व्यक्ति का अर्धजली अवस्था में शव पड़ा हुआ है, जिस पर थाना मनकापुर पुलिस एवं उच्च अधिकारी द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय गोंडा के निर्देशन में घटना का खुलासा हेतु 3 टीमों का गठन किया गया। जाँच के दौरान एक अभियुक्त अमित को गिरफ्तार किया गया और जाँच में यह भी सामने आया कि अभियुक्त अमित और मृतक कोहली दोनों ने पूर्व में भी हिमाचल प्रदेश और गुजरात में एक साथ कार्य किया था, जहां पर दोनों के मध्य आपसी कहासुनी एवं वाद विवाद हुआ था। घटना के दिन 300 रुपए की उधारी की बात को लेकर अभियुक्त अमित एवं मृतक कोहली दोनों के मध्य वाद विवाद हुआ था और अभियुक्त अमित ने योजनाबद्ध तरीके से मृतक कोहली को शराब पिलाकर शराब के नशे में उसका गमछे से गला दबा दिया और उसकी हत्या कर दी और शव को गड्ढे में डालकर चला दिया। इस पर अभियुक्त अमित को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रतापगढ़ जिले में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। इस मौके पर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। उत्तर प्रदेश ग्रेटर शारदा समादेश क्षेत्र विकास परियोजना के आयुक्त प्रशासन डॉक्टर हीरालाल के निर्देश पर विभागीय कर्मचारियों ने बाबा बेलकर नाथ ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं को जागरूकता का पाठ पढ़ाया। बता दें कि नई पीढ़ी में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए यह गोष्ठी आयोजित की गई और भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण, प्लास्टिक के उपयोग की रोकथाम करने, भूजल को संरक्षित करने और शुद्ध ऑक्सीजन के लिए जागरूक किया गया, ताकि आने वाली पीढ़ी को इन समस्याओं से बचाया जा सके। जो है शून्य है, जलवायु विहीन जो है व्यक्ति कभी जीवित नहीं हो सकता है, क्योंकि जलवायु में हवा है, ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन से हम जीवित हैं। जीवन का मूल्य जो होता है वो वायु है। वायु जो है दो प्रकार के होते हैं, एक ये जो हवा चलती है वो होता है, एक प्राणवायु होती है। जो आदमी के प्राणवायु निकल जाने के बाद आदमी शून्य हो जाता है, हवा बंद हो जाए तब भी आदमी शून्य हो जाएगा। इसलिए जलवायु परिवर्तन जो है हमारे यहाँ, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसका कारण क्या है आप जानते हैं? उसका कारण है वृक्षों का कटाव। आप सुबह उठिए तो एक तरफ मशीन की आवाज आपको सुनाई पड़ेगी।